एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, यह है एबीपी न्यूज और आप सुन रहे हैं आज की पांच बड़ी खबरें। मैं हूं श्वेता शर्मा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध उगाही का सनसनीखेज आरोप लगाने वाले आईपीएस परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने देशमुख पर अपने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने खुद को पुलिस कमिश्नर के पद पर ट्रांसफर किए जाने की अधिसूचना पर रोक की भी मांग की है। लोकसभा से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में उपराज्यपाल यानी कि एलजी को ज्यादा शक्ति देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया है। 25 साल से इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार कोई शराब दुकान नहीं चलाएगी। केंद्र ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। अब कोविशील्ड की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में लेना होगा। अब तक पहली खुराक दिए जाने के 4 से 6 हफ्ते में दूसरी खुराक लेनी होती थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। मणिकर्णिका और पंगा में भूमिका के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वहीं मनोज बाजपेयी को भोंसले और धनुष को असुरन में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।